हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी हो या हर दिन, या दोस्तों बुधवार के दिन, जी हाँ दोस्तों, भगवान गणेश को आप एक मोती चूर का या बूंदी का लड्डू चढ़ाते हो तो दोस्तों आपके ऊपर क्या कृपा बरसती है, यानी कि भगवान को लड्डू चढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है आपके जीवन में, यानी कि ग्रह से देखा जाए तो लड्डू का और ग्रहों का क्या संबंध है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा, जी हाँ दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन या संकष्ट चतुर्थी के दिन, दोस्तों किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को लड्डू अवश्य चढ़ाते हैं। दोस्तों मंदिरों में बुधवार के दिन या चतुर्थी दिन प्रसाद के रूप में भगवान गणेश को प्रसाद चढ़ाया जाता है लड्डू के स्वरूप में। देवी देवता के पूजा में आपने लोगों को लड्डू चढ़ाते देखा होगा। हो सकता है कि आपने भी पूजा में भगवान को लड्डू चढ़ाए क्या, लेकिन क्या आपको मालूम है कि पूजा में लड्डू क्यों चढ़ाया जाता है, लड्डू चढ़ाने से क्या लाभ बताए गए हैं? यदि नहीं पता है तो हम बताते हैं विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, लड्डू को लेकर एक धार्मिक कथा प्रचलित है। इसके मुताबिक देवता ने भी अपने संयुक्त शक्ति से माता पार्वती की श्रद्धा में एक दिव्य लड्डू उत्पन्न किया। शिव पार्वती के दोनों पुत्र यानी कि कार्तिकेय और गणेश की इसके मांग करने लगे। दोस्तों इस पर पार्वती जी ने कहा कि जो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करेगा उसे ही लड्डू मिलेगा। इसके बाद गणेश जी ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी और लड्डू के अधिकारी बन गए। तभी भगवान गणेश जी को लड्डू या मोदक चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में लड्डू के बारे में काफी कुछ बताया गया है। ज्योतिष के अनुसार लड्डू का संबंध बुध ग्रह से है। लड्डू और उसके दानों का गोल आकार उसे बुध से जोड़ता है। ऐसे में लड्डू के सेवन से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। लड्डू का स्वाद मीठा होता है और ज्योतिष शास्त्र में मीठी चीजों का संबंध सूर्य और मंगल से है। साथ ही लड्डू की सुगंध को चंद्रमा से जोड़ा गया है। बता दें कि ज्योतिष में बूंदी वाले लड्डू का सर्वोत्तम माना गया है। लड्डू से जुड़े कुछ टोटके भी किए जाते हैं। एक टोटके में अपनी उम्र की बराबर संख्या में गणेश भगवान जी को लड्डू चढ़ाने के लिए कहा गया है। लड्डू चढ़ाते समय गणेश मंत्र का भी जाप अवश्य करें। इसके बाद इन लड्डू में से एक लड्डू खा ले और बाकी को लोगों में प्रसाद के स्वरूप बांट दे। दोस्तों इस टोटके से बेरोजगारी की समस्या दूर होने की मान्यता है। तो दोस्तों इस तरह आप भी लड्डू चढ़ाते हैं भगवान गणेश जी को तो दोस्तों आपकी बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो जाएगी, यानी कि आप बुध ग्रह स्ट्रांग बन जाएगा, यानी कि बुद्धि तेज बन जाएगी। इससे आपको ये फर्क पड़ेगा कि आपका दिमाग चलने लगेगा। दिमाग चलने के कारण आप नौकरी ढूंढने में आसानी से लग जाओगे और आपकी बुद्धिमता के कारण इंटरव्यू में आप सफल हो पाओगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह आपके वजन के बराबर आप भगवान गणेश जी को चतुर्थी या बुधवार, दोस्तों कौन सी भी चतुर्थी के दिन या बुधवार के दिन आप भगवान गणेश को, या हर दिन कौन से भी दिन आप यदि भगवान गणेश जी को लड्डू चढ़ाते हैं आपके वजन के बराबर, तो दोस्तों इससे आपकी बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो जाती है, आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह आप उपाय करते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं भगवान गणेश को, तो आपको इससे फायदा ही होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम गणपति नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।